अदर आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट इन माई लास्ट वीडियोज. तो मैंने सोचा कि मैं कौन सी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ, इंग्लिश या हिंदी. तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए. तो मैं सोच रही हूँ अगर कि वीडियोस हिंदी में ही होंगे. अगर आपको इंग्लिश के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग या कौन सा चीज़ मैं इंग्लिश में रिएक्ट करूँ. तो मैं ज़रूर उस चीज़ पर इंग्लिश में रिएक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हिंदी के लिए आ रही थी. तो अब से वीडियोज़ हिंदी में बनेंगे. और आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इसके पहले अगर मैंने डाला है, तो ये मेरी न्यू हेयर स्टाइल है. मैंने काट लिए हैं बाल अपने छोटे छोटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे इसलिए, ठीक है. आज का जो वीडियो है बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज का वीडियो है कोक स्टूडियो सीजन 12 ढोला शाहिर अली बग्गा एंड आइमा बैग. ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम सुनूँगी गाना और ये नाम भी सॉन्ग का फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ. तो देखते हैं इसमें क्या है. और बिफोर गोइंग टू द वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और जो मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं उन्हें मैं लिंक कर दूँगी, ज़रूर देखें मेरे अदर रिएक्शंस. पहले जो मैं वीडियो बनाती थी उन्हें मैं पॉज करती थी, पर मैंने पॉज करना छोड़ दिया है. आप लोगों ने जैसा बोला है मैं लास्ट में बताती हूँ अपने व्यूज़. तो लास्ट तक वेट कीजिएगा कि मैं क्या सोचती हूँ इस गाने के बारे में और मुझे कैसा लगा गाना. वैसे तो सारे गाने अच्छे ही होते हैं, बस मेरे व्यूज़ अलग होंगे. तो ठीक है, तो लास्ट तक रुकिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया सॉन्ग या वीडियो रिलीज़ करूँगी, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं ज़रा अपना लैपटॉप सेट कर लूँ. ओके, सो कोक स्टूडियो सीजन 12 ढोला साहिर अली बग्गा एंड आइमा बैग स्टार्स नाउ. ढोला तू यू यार है, और दूजा कोई नहीं बनाना.
गाने होते हैं जैसे अब बीट और मज़ेदार, वैसे एकदम लगा और बस नाचने का मन हो रहा था, बस जैसे कि जैसे पंजाबी गाने सुनो ना हमेशा हाथ ऐसे उठ जाते हैं ये नाचो, क्योंकि ना इतना मज़ा आता है पंजाबी गाने सुनने में। और हमेशा जब भी मैं मतलब हम जब स्कूल में थे ना और कॉलेज में, जब भी मतलब ऐसा कुछ पार्टी होता था या कोई फंक्शन होता था और पंजाबी गाने बजते थे तो सारे जो मेरे दोस्त और हम सब मिलकर ना नाचने लग जाते थे। मतलब डांस आता नहीं है लेकिन क्योंकि पंजाबी गाना बज रहा है इसलिए सबको हाथ पैर हिलाने हैं, तो मतलब पंजाबी गाना सुनते साथ ही आदत हो गई है कि सुनो और नाच कर चखने लग जाती है बॉडी अपने आप। सो बहुत मज़ा आया सुन के, अपबीट था गाना और जो सिंगर है शाहिर अली बग्गा, उनकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम मतलब कड़क आवाज़ जिसे कहते हैं ना वो, और जो सिंगर आयमा बेग जो है उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्रिटी थी, उनकी ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही थी और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मतलब क्या बोलूँ मुझे बस मज़ा आ गया गाना सुन के। और थैंक यू सो मच इसे रिकमेंड करने के लिए। और जो मैंने कहा बीच में भी कहा था कि जो ये लोग मैंने देखा है कोक स्टूडियो में ज़्यादातर या आजकल तो ऐसे होते ही है, इंडिया में भी हो रहा है हर जगह, कि जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका फ्यूजन करके जो बीट्स बनती है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। मतलब उसमें एक अलग ही तरीके का यू नो क्रिएट होता है एनवायरनमेंट, जिसे हम कह सकते हैं अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि मतलब क्लासिकल का अलग मज़ा है वेस्टर्न का अलग मज़ा है, लेकिन जब उनको मिक्स कर देते हैं तो समथिंग न्यू जनरेट होता है ना।
तो वो हमेशा मैंने देखा है कोक स्टूडियो के जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं कोक स्टूडियोज के, उसमें ऐसे ही करते हैं वो, और वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो सही में मज़ा आ गया गाना सुन के। और आपको मज़ा आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा मेरा रिएक्शन देख के, नीचे कमेंट डाउन करिएगा कि इस टाइप के गाने और कौन से आपको पसंद है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे कंप्लीट कर सकूँ जो आपने मुझे बताए हैं देखने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भी वीडियोज़ चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पर जाके। नेक्स्ट टाइम।